और दोस्तों GTA ऑनलाइन में अगर आप बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने लिए ऑफिस खरीदना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी खरीद लिया है। तो इसके ऊपर अगर वीडियो चाहिए तो आप हमारा पहले का वीडियो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। और ये ब्लू रंग का सर्कल जो देख रहे हैं, यहाँ पर आते ही आप अपने ऑफिस पर एंटर कर जाएंगे। और एंटर करने के बाद यही हम लिफ्ट से बाहर आ चुके हैं यहाँ पर, और यहाँ पर बैठी हुई है अपना असिस्टेंट, देख रहे हैं आप। ये सब चीज़ को आप पैसा दे दे के लेना पड़ता है, जो हम पिछले वीडियो पर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। और ठीक यहाँ पे है अपना ऑफिस, ये है मेरा लैपटॉप, अरे यार इधर नहीं, इधर। और इस लैपटॉप से हम अपना सारा बिजनेस हैंडल करेंगे, प्रेस ई जिससे आपको लैपटॉप का एक्सेस मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको एंटर करना है आपको यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, तो एंटर प्रेस कीजिएगा, ये खुद ब खुद यूज़र नेम पासवर्ड डाल देगा। लेट्स क्लिक ऑन लॉगिन। और यहाँ पे आपको देखो तीन अलग अलग स्पेशल मिशंस मिलते हैं, स्पेशल कार्गो, व्हीकल कार्गो, स्पेशल व्हीकल वर्क। तो यहाँ से आप कोई भी चूज़ कर सकते हो। व्हीकल कार्गो थोड़ा महंगा आता है, स्पेशल कार्गो थोड़ा सस्ता आता है, ठीक है। तो ये है अपना पहला बिजनेस जहाँ पे हम गाड़ी चुरा के लेके आएंगे, यहाँ पर मॉडिफाई करेंगे और लोगों को बेचेंगे। तो जो लाल लाल जितने भी ऑप्शन देख रहे हैं राइट, यहाँ से आपको कोई भी एक प्रॉपर्टी बाय करना है तो अपना बजट के हिसाब से बाय कर लो। जितना दूर प्रॉपर्टी होगा टाउन से उतना कम पड़ेगा, जितना सिटी के बीच पे रहेगा उतना महंगा पड़ेगा। सो फिलहाल मैं नया बिज़नेस शुरू कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मैं कम दाम वाला प्रॉपर्टी ही बाई करने जा रहा हूँ, सबसे कम जो होगा मैं वही बाई करूँगा। लेट्स सी, ये है 3,92,000। ऑल राइट, इससे सस्ता कोई है? लेट्स सी, ओके 3,18,000। तो ये वाला प्रॉपर्टी देखो 3,18,000 मिल रहा है, तो मैं इसको चूज़ करता हूँ यहाँ से। एंड लेट्स क्लिक ऑन बाई वेयर हाउस एंड लेट्स क्लिक ऑन कन्फर्म। और जब तक आप प्रॉपर्टी बाय नहीं करोगे, आपको इस तरह के नए बिजनेस, नए मिशंस नहीं मिलेंगे। तो आपको अपने बिजनेस को बड़ा करना है तो एक एक प्रॉपर्टी बाय करना पड़ेगा। लेट्स क्लिक ऑन कन्फर्म। और आप देख सकते हैं ग्रीन हो चुका है, मतलब सक्सेसफुली हमने बाय कर लिया है। तो जैसे ही आप प्रॉपर्टी बाय कर लेंगे, यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन मिलेगा, 1 क्रिएट वेपन एंड एमओ, 2 क्रिएट वेपन एमओ। सब पे क्रिएट वेपन और एमओ ही दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सस्ता वाला से, क्योंकि गेम के बारे में ना मुझे पता है ना आपको पता है। तो शुरुआत करेंगे बिल्कुल एकदम बेसिक से, ठीक है। $2,000 हम लगाते हैं एंड लेट्स क्लिक ऑन कन्फर्म। तो सक्सेसफुली हमने अपना स्पेशल कार्गो बाय कर लिया है। ऑलराइट गाइस, अभी मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़। अगर आप मैप ओपन करेंगे राइट, तो आप देख सकते हैं इस मैप पे आपके लिए एक वेयर हाउस आ चुका है। मैं जब दिखाता हूँ, ये देखो, ये वेयर हाउस पहले नहीं था हमारे पास, बट अब हमने इसको बाय कर लिया तो यहाँ पर वेयर हाउस शो कर रहा है। ऑलराइट गाइस, अब जैसे ही आप बंकर पे पहुंचेंगे, आपको नए नए मिशन मिलेंगे, जैसे कि वेपन सप्लाई करना, कार को सप्लाई करना, जिस तरह से अपने खुद के बिजनेस को आप ग्रो कर पाओगे। तो ये है वो आसान सा तरीका जिससे आप GTA 5 ऑनलाइन में अपनी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकॉन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।